दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली गुच्छी अब हमीरपुर में हर साल देखने को मिल रही है, जहां गत साल भी हमीरपुर जिला के मोही गांव में स्थानीय ग्रामीणों ने गुच्छी होने का दावा किया था। वहीं इस साल भी गुच्छी काफी मात्रा में मिलने से स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे महंगी सब्जियों में शुमार गुच्छी की कीमत 30 से 35 हज़ार रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। हालांकि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में पैदा होने वाली गुच्छी को तलाश करना मुश्किलों भरा होता है। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाली गुच्छी अब हमीरपुर में हर साल देखने को मिल रही, जहां गत साल भी हमीरपुर जिला के मोही गांव में स्थानीय ग्रामीणों ने गुच्छी होने का दावा किया था। वहीं इस साल भी गुच्छी काफी मात्रा में मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे महंगी सब्जी में शुमार गुच्छी की कीमत 30 से 35 हज़ार रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। हालांकि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में पैदा होने वाली गुच्छी को तलाश करना मुश्किल भरा होता है। बलगाम के गांव मोही में एक नाले और सड़क के किनारे सुनसान जगह पर गुच्छी पाई गई है और गांव के किशोरी लाल को गुच्छी कुछ सालों से मिल रही थी, लेकिन संशय होने के चलते किसी से बात नहीं करते थे। इस बार भी गुच्छी ज्यादा तादाद में लगने पर गुच्छी होने की पुष्टि हुई है। वहीं किशोरी के अनुसार गुच्छी के पौधों को एक महात्मा को भी बताया था तो कुल्लू मनाली के लोगों को भी दिखाई थी, जिसके बाद लोगों ने भी इसकी पुष्टि गुच्छी के रूप में ही की थी। किशोरी ने बताया कि गुच्छी के पौधे पिछले साल भी अक्टूबर माह में नाले के पास पहाड़ी पर गुच्छी के पौधे मिले थे और इस बार भी गुच्छी काफी मात्रा में सड़क किनारे भी पाई गई है। उन्होंने बताया कि गुच्छी के सेवन से कई बीमारियों का इलाज होता है। गौरतलब है कि गुच्छी की पैदावार अक्टूबर और नवंबर माह के बीच ही पैदा होती है। गुच्छी की डिमांड विदेशों में ज्यादा है और गुच्छी में विटामिन डी और सी हार्ट की बीमारियों के लिए फायदेमंद होती है। इस तरह हमीरपुर में भी अब गुच्छी के मिलने पर लोगों में हैरानी बनी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मशरूम जाति का एक वनस्पति है जिसको गुच्छी बोलते हैं। आमतौर तक ये बहुत दुर्लभ है, परंतु काफ़ी समय से मुझे यहाँ मिलती है। पिछले साल भी इसका एक वीडियो डाला गया था। और ये जो पाई जाती है तो ये दो तीन किस्म की होती है, जो ये बहुत ही अच्छी किस्म की है, जो कि पक्की रॉक में पाई जाती है, पक्की चट्टानों में दीवारों जहाँ तक दरारें होती हैं वहाँ से निकलती है। ये सफ़ेद रंग की है। जो मिट्टी में पैदा होती है वो थोड़े लाल रंग की होती है, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। मशरूम जो है वो उसकी एक किस्म है, परंतु मशरूम थोड़े टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं। ये ख़राब होने वाली नहीं है, इसको छुपा कर रखा जा सकता है। यहाँ मुझे ये मोही में प्राप्त हुई है और हो सकता है कि बाकी जगह भी सबको प्राप्त हो, इसलिए मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, जिसके बारे में सबको पता चलना चाहिए कि ये दुर्लभ प्रजाति का मशरूम जो अभी यहाँ भी पैदा होता है छोटे पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में भी।